हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो को हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे बेयरिंग्स होते हैं उसके नॉमनक्लेचर्स क्या क्या होते हैं, और जो हमारे देखिए जब भी हम कोई मार्केट में कोई बेयरिंग लेने जाते हैं तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 6206 उसके बाद डैश और 2Z, इसका क्या मतलब होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम इस जो नंबर्स लिखे होते हैं हमारे अलग अलग बेयरिंग्स के ऊपर इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखें अगर आपको वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। तो फ्रेंड्स मैं पंकज और आप देख रहे हैं CNC मैकेनिकल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स के हमारे पास बेयरिंग रखे हैं। ये जो हमारे बेयरिंग्स आते हैं इनका साइज अलग होता है, इनके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो भी अलग अलग लिखे रखते हैं। तो मैं आज आपको बड़ी सिंपल फॉर्मूले से बताऊंगा कि जो नंबर्स होते हैं इनको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक चार्ट के माध्यम से मैंने बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि जो नंबर्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे नंबर्स लिखा गया है 6206 उसके बाद डैश और 2Z, मैंने सेम वही नंबर देखिए यहाँ पे अपने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों जो हमारा ये फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड होता है 6, इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों टाइप ऑफ बेयरिंग, जो हमारा जो बेयरिंग है वो किस टाइप का। देखिए दोस्तों जो ये हमारा जो ये बेयरिंग है ये हमारा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। ऐसे देखिए दोस्तों हमारे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे हमारे पास ये देखिए अलग अलग टाइप्स के हमारे पास काफी बेयरिंग है, है ना। तो हमारे अलग अलग टाइप्स के टेपर रोलर बेयरिंग भी होते हैं, बॉल बेयरिंग भी होते हैं। तो जो ये नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को देख के हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि जो हमारा जो बेयरिंग है वो किस टाइप का। तो दोस्तों जो पहला हमारा जो यहाँ पे जो नंबर होता है इसका मतलब होता है टाइप ऑफ बेयरिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा नंबर होता है, देखिए यहाँ पे जैसे 2 लिखा है इसका मतलब होता है आउटसाइड डायमीटर, यानी जो हमारा जो बेयरिंग का जो आउटसाइड डायमीटर, देखिए दोस्तों इसे हम बोलते हैं आउटसाइड डायमीटर यानी बाह्य व्यास। ये हमारा कैसा है, देखिए दोस्तों जो हमारे जो 0 होता है, 0 का मतलब जो हमारे वेरी स्मॉल बेयरिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों वेरी स्मॉल के बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पे देखिए ये स्मॉल बेयरिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे जो मीडियम बेयरिंग होते हैं, देखिए जैसे ये मीडियम बेयरिंग में आ जाते हैं। और जो हमारा तीसरा नंबर है वो हमारे जो लार्ज बेयरिंग में आ जाते हैं। इससे भी दोस्तों बड़े बड़े हमारे पास जो हमारे बेयरिंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों जहां पे अभी आपको दूसरा नंबर है यहाँ पे दिख जाए तो उसका मतलब यही है कि 0 का वेरी स्मॉल, 1 का स्मॉल, 2 का मीडियम और 3 का लार्ज। तो इस तरह करके देखिए जो हमारा ये बेयरिंग है ये हमारा किस में आ जाता है, मीडियम बेयरिंग में। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा 06 है, जो यहाँ पे 06 नंबर लिखा रहता है, इसका मतलब रहता है बोर साइज यानी आईडी। आईडी का मतलब होता है हमारा इंटरनल डायमीटर यानी जो हमारा ये अंदरूनी व्यास होता है। ओडी का मतलब बाह्य व्यास और आईडी का मतलब हमारा अंदरूनी व्यास, जो कि हम जैसे हम जो बेयरिंग को शाफ्ट के ऊपर जब हम चढ़ाते हैं तो हमारी जो शाफ्ट होती है वो बेयरिंग के यहाँ पे लगती है। तो देखिए दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों जहां पे आपको 00 दिख जाए तो इसका मतलब जो हमारा बोर साइज है उस हमारे बोर साइज का कितना कितनी वैल्यू है, उसकी हमारी वैल्यू है 10 mm। अगर आपको यहाँ पे दिख जाए 01 तो इसका मतलब जो हमारा बोर साइज है वो 12 mm का है। अगर आपको दिख जाए यहाँ पे 02 तो हमारा बोर साइज 15 mm का है। अगर 03 तो 17 mm का है। अगर 04 तो यहाँ पे 20 mm का है। अगर 05 तो 25 mm। और हमारा जो 06 है यानी वो हमारा 30 mm का है, जो कि हमारे पास जो हमारा ये करंट जो हमारे पास ये बेयरिंग है इसमें यहाँ पे 06 लिखा गया है। तो ये इसका जो हमारा आईडी है, अभी मैं आपको वर्नियर की सहायता से चेक भी करके दिखाऊंगा, इसका जो हमारा जो आईडी जो अंदरूनी व्यास है वो हमारा 30 mm का है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा कि जो 2Z होता है इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों इस 2Z का यहाँ पे मतलब होता है सील टाइप। देखिए दोस्तों जो हमारा बेयरिंग होता है इसमें यहाँ पे एक सील लगी होती है, देखिए उस सील का क्या क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सील जो अंदर हमारे जो बॉल्स लगी होती है, जो इसके अंदर ग्रीस होता है, ताकि वो ग्रीस बाहर ना पाए या जो बाहर की गंदगी है वो पूरे इसके बॉल्स के अंदर ना जा पाए। इसके ऊपर यहाँ पे जो हमारी रबड़ की भी सील लगी रहती है और हमारी मेटल की भी सील लगी है। देखिए जो ये जो हमारा बेयरिंग है इस पे यहाँ पे मेटल की सील लगाई है। 2Z का मतलब है कि जो हमारी मेटल सील है वो दोनों साइड है। देखिए इस बेयरिंग के जो हमारी मेटल सीट जो हमारी सील है वो दोनों साइड लगी हुई है। अगर आपको यहाँ पे सिंगल Z लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो मेटल सील है वो वन साइड है। तो ये आपको कभी भूलना नहीं, अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि इस 2Z का क्या मतलब है तो आपने इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब होता है हमारा मेटल सील ऑन बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों उसके बाद
अगर हम बात करें कि जो हमारा ये बेयरिंग होता है इसका, हम जो ओडी और जो हमारा यहाँ पे जो आईडी होता है, मैं उसको आपको एक बार मेज़र करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ओडी जो हमारा इसका है, जो आउटर डायमीटर, मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा पूरा, देखिए यहाँ पे 62 mm है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिख रखा 62 mm, और जो आईडी जिसकी मैं बात कर रहा था उसको देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये 30 mm का है। वो थोड़ा प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है इसका वर्नियर का, तो उससे थोड़े कम ज़्यादा रीडिंग आ सकती है, पर जो इसकी आईडी है वो 30 mm की है। और जो अगर विड्थ की बात करेंगे तो देखिए विड्थ भी मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए विड्थ है जो पूरी हमारी, ये देखिए 16 mm की है यहाँ पे, ये जो हमारी विड्थ है। सो अगर हम इसको इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा इसका ओडी है यानी आउटर डायमीटर, इसको हम जो बड़े, जो हमारा डी होता है वो बड़े डी से हम इसको डोनेट करते हैं, वो 2.441 इंच है। छोटे डी का मतलब हमारा जो आईडी होता है या इंटरनल डायमीटर, इसका जो इंच में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.181 इंच, और उसकी विड्थ को अगर हम इंच में कैलकुलेट करेंगे तो 0.63 इंच। तो दोस्तों ये जो पूरा नंबर्स होता है, ये पूरा उसका नॉमिनिक्लेचर होता है जो भी हमारा बेयरिंग होता है। तो अगर आप कहीं भी अगर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप प्लीज ये वीडियो देख के जरूर जाइएगा, आपको पूरा जितने भी बेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट होंगे तो आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं भी अगर हम कोई भी बेयरिंग लेने जाते हैं तो इन्हीं नंबरों की सहायता से हमें बेयरिंग मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये बेयरिंग के जो नॉमिनिक्लेचर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके उन कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मेरे चैनल पर CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़, लेथ मशीन से रिलेटेड वीडियोज़ और जो हमारी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, सारी वीडियोज़ अपलोड है, आप उनको देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।